नवाज भाई जा गए, नवाज भाई जा गए भाई, मार दिया छक्का लेवल भाई, भाई लेवल लेवल ब्रो। ओए होए, बच गया। ये वसीम कुछ करके जाएगा भाई आज। बाकी भाई सीन कुछ ऐसा है कि हालत बुरी लगी होगी, अभी शॉप पे आया हूँ। बाकी आज हो गया टीम पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा लोल। खैर पाकिस्तानी मैच जीत जाएगा, इतना मुझे आइडिया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए और जीत गया है वैसे देखा जाए। बाकी जिस तरीके से आज परफॉर्मेंस रही ना, खासतौर पर इस बंदे की, तो भाई इससे बेहतर तो आपको कराची में मिल सकता था, गारंटी दे रहा हूँ। समझ रहे हैं ना, तारे संडे बाजार लगता है, वापस संडे बाजार में इससे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। क्या करें, थोड़ा धड़ा हमारे पास बंदे आउट हो रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। खैर जो बात है, हम जीत जाएंगे, मगर जीत को मज़ेदार जीत नहीं कहेंगे। और अगर इसके बाद भी लोग बोलते हैं कि भाई कोई अच्छा हो जाएगा, बाबर रिजवान तो कोई बात नहीं, बैड लक होता है इन लोगों के साथ, अभी हुआ है तो कोई बात नहीं भाई, हो जाता है, नेक्स्ट आगे जाके खेल लोगे। बट कुछ कह नहीं सकते आगे भी, अगर ऐसा मसला हुआ तो फिर हो सकती है बात। बाकी हमारा सारा काम चल रहा है और अब देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई जिम्बाब्वे ने बॉलिंग बहुत हैंड कराई है, लेवल की बॉलिंग कराई है और मज़ा आ गया उनकी बॉलिंग देखते हुए। मतलब परफेक्ट लाइन ऑफ लेंथ, कोई आगे पीछे नहीं भाग रहे। बाबर आजम को एक ही लाइन पकड़ ली उन्होंने, उसको डोमिनेट आगे पीछे हो रहा था, नहीं बन रहे थे, उन्होंने उसी लाइन पर बॉलिंग कराई। फिर सिकंदर रजब बेहतरीन स्पिन करा रहे हैं भाई, चेक करो शादब भाई, चेक करो कैसे फेंक रहा है, समझ लो। तो ऊपर से बंद मोहम्मद वसीम ने बॉलिंग अच्छी कराई है। मतलब ये पहले इंडिया के मैच में भी इसको होना चाहिए था, जो गलतियाँ हमने इंडिया के मैच में की वो हमने दोबारा इधर कर लिया, सिर्फ एक बॉलर अंदर डाल दिया, बाकी उसमें ले लिया उन्होंने हैदर अली को। तो भाई हैदर अली से तो पहले ही परफॉर्म नहीं हो रहा था, आपने फिर उसको ले लिया, इससे बेहतर आप किसी और नए लड़के को ले जाते, अजीज़ को, इन लोगों को, तो वो अच्छा खेल लेते। खैर शान मसूद कब तक खेलेगा भाई, क्योंकि वो भी खेल रहा है, आउट हो जाते हैं, बैड लक हो जाता है, और आज हो गया बैड लक उसके साथ। खैर जो बात है, हम जिस तरीके से जीत रहे हैं, ऐसी जीत बनती नहीं थी इस तरीके से, तो फिर जिम्बाब्वे को ही जीत देनी चाहिए थी, बट हो गया। बंड होते रहते हैं और ये भंडी खेलाएगा भाई। खैर पाकिस्तान अगर जीत भी जाता है तो फिर वो मज़ा नहीं होगा जीतने में, मेरे हिसाब से तो ये जिम्बाब्वे की जीत होनी चाहिए, क्योंकि वो एफर्ट कर रहे हैं भाई। ब्लेसिंग रब्बानी अच्छी बॉलिंग करा रहा है, पूरी टीम अच्छी बॉलिंग करा रही है, और बाद भाई बाकी बंदे ने मैच को मरवाया है, हैदर अली ने, मतलब परफॉर्मेंस। आज चाचा जी, आज इफ्तिखार चाचा भी नहीं चले, चाचा जी कोई बात नहीं, चले कोई बात, इंडिया के मैच में आपने अच्छा खेला तो कोई बात नहीं, आज आपके साथ हो गया, सो हो गया, तो ये सीन है। बाकी हैदर अली भाई ने तो काम उतरवा दिया है। बाकी अपनी बॉलिंग में भी भाई, जो शाइन जो बॉलिंग कराता था, आशीष शायद आई थिंक खिलाया नहीं, मैंने देखा भी नहीं गौर से, बाकी बॉलिंग में वो मज़ा नहीं है जो पहले था, ठीक है, पर्ची का गेम चल रहा है सारा। बाकी भाई नवाज़ भाई आज कुछ कर जाएंगे, वसीम भाई खड़े में, हो सकता है ये कुछ कर जाए, इंडिया में भी होता ना मैच में तो कुछ कर जाते, समझ लो। हमारे नवाज़ बाबा को इतने पूरे तरीके से जो मैच आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए था। बाकी जिम्बाब्वे ने आज अच्छा खेला, और आगे भी पाकिस्तान के मैच देखते हैं आगे क्या होता है, हो सकता है मे बी एज पॉसिबल मेरी जबान सच्ची हो जाए, मतलब कि रिजवान और बाबर ऊपर से चल जाएँ तो हमारे को ज़रूरत ही ना पड़े नीचे के इन सबको देखने की, जिनको हमने काफ़ी टाइम से नहीं देखा था। आसिफ अली को आज बाहर बिठा दिया, ठीक है भाई बाहर बिठाया, अच्छी बात है, बिठाना चाहिए, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो भाई कि तुम्हारी जगह दूसरों की भी जगह आ सकती है टीम के अंदर, मगर हैदर अली आ क्या कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा और लटका आगे चले जाते हैं। तो खैर इन सबको क्लाइमेक्स को काटते हैं। खैर पाकिस्तान जीत गया, ये बहुत अच्छा हो गया, जिस तरीके से जीता ऐसा नहीं जीतना चाहिए था, अच्छा खेलना चाहिए था, बट क्या करें, हो गया सो हो गया, कटो आगे कहीं मिलते हैं, निकलो।